मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे कंकाल मालिनी पुस्तक मांगी थी, सो हम वो पुस्तक आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, जो भी सदस्य चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि देखिए, इस चैनल के ऊपर मैं आपको धर्म आध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी और तंत्र से संबंधित कई प्रकार की साधनाएं व सामग्री उपलब्ध करवाता हूँ। इसलिए अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर चालू कीजिए। बहुत सारे सदस्य क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन घंटी के बटन को चालू नहीं करते, और ये बात मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब कोई घंटी के बटन को चालू नहीं करता। इसलिए आपको घंटी के बटन को चालू ज़रूर करना है, तभी जाके हमारे द्वारा प्रदान की गई सारी सामग्री आपको मिल पाएगी। इसलिए घंटी के बटन को आप ज़रूर चालू कर लीजिएगा। अब देखिए, जो कंकाल मालिनी पुस्तक है, इसके अंदर आपको सारी जानकारी माता काली से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए, कंकाल मालिनी का अर्थ होता है मुंड मालिनी, यानी कि जो मुंडों की माला धारण करने वाली है, और वो माता भगवती काली ही है। उनके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कंकाल माला शब्द का जो अर्थ है वो वर्णमाला के रूप में लिया गया है। यहाँ आपको जो पूरी वर्णमाला है वो देखने को मिलेगी। प्रथम पटल में आपको पूरे 51 वर्णमाला की सूची देखने को मिलेगी, और आपको जब आप द्वितीय पटल पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी जो चैतन्य मुद्राएँ होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। योनि मुद्रा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उनके कवच रहस्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और तृतीय पटल के अंदर आपको गुरु के संबंधित जानकारी मिलेगी। गुरु की पूजा, गुरु कवच, गुरु गीता का कथन, ये सारी जानकारी आपको तृतीय पटल में देखने को मिलेगी। चतुर्थ पटल में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको माता के जो सभी प्रकार की पूजा विधि हैं, उनके मंत्र हैं, मंत्रों का उद्धार है, बलि का, तर्पण का जो सारा विधान होता है, वो सारी विधि विधान आपको जो है इसके चतुर्थ पटल में और पंचम पटल में देखने को मिलेगी। आपको इसमें और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी, डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, साकनी, इन सभी के बीज मंत्र और इन सभी से जुड़े हुए जो रहस्य हैं, जो पूजा की विधि विधान है, वो सभी जानकारी इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। देखिए, इसके जो विषय सूची है वो मैंने एक बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बता दी है कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। 5 पटलों में पुस्तक है, तो 5 पटलों में आपको इसके अंदर जानकारी, यानी कि 5 अध्यायों के अंदर आपको इसके अंदर जानकारी देखने को मिलेगी। अब मैंने जो भी आपको जानकारी बताई वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही सार रूप में बता दी, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो वो जानकारी आपको पूरे विस्तार से देखने को मिलेगी, एक बड़े रूप में देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको जब इस पुस्तक को पढ़ोगे तो किसी भी तरह से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल आराम से और सही तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए इस पुस्तक में आपको सारी जानकारी पूरे विस्तार से दी गई है। पुस्तक को आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी शुल्क हमारे द्वारा पुस्तक का नहीं लिया जा रहा। अब देखिए, पुस्तक कैसे प्राप्त होगी, तो पुस्तक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल के ऊपर जाना है और वहाँ पर श्रीराम परिवार SRP लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप श्रीराम परिवार SRP लिख के सर्च करोगे, तुरंत आपके सामने हमारा ब्लॉग आ जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर पहली पोस्ट जो है आपको कंकाल मालिनी पुस्तक से संबंधित देखने को मिलेगी। अब देखिए क्या होता है कि कई बार साधक जो होते हैं, कई बार जो सदस्य हमारे चैनल पर आते हैं, तो वो बहुत ही पुरानी वीडियो को देखते हैं, और जब वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं तो वो बुक उनको नहीं मिलती, क्योंकि वो नीचे चली गई होती है, क्योंकि मैं नई बुक भी आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। इसलिए ब्लॉग में जब ऊपर सर्च करने का बटन होता है, उसके ऊपर सर्च करके जो भी पुस्तक आपको चाहिए उस पुस्तक का नाम लिख दीजिए। जैसे ही आप उस पुस्तक का नाम लिखोगे, तुरंत आपके सामने वो पुस्तक वहाँ पर आ जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो पोस्ट खुल जाएगी और नीचे आपको डाउनलोड का बटन भी मिल जाएगा। अब देखिए, जब आप इस पुस्तक की पोस्ट को खोलोगे तो इससे संबंधित जानकारी वहाँ पर लिखी होगी, और जब नीचे जाओगे तो डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगे जाएंगे, और जो आपके पासवर्ड होंगे वो होंगे 5151। जैसे ही आप 5151 पासवर्ड लगा दोगे, तुरंत आपकी पुस्तक आपके मोबाइल में डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी उसका मैं ज़रूर समाधान करूँगा। और देखिए, ये पुस्तक जो है संस्कृत और हिंदी दोनों में है, यानी कि संस्कृत के श्लोक भी दिए गए हैं और उनका हिंदी अनुवाद भी इसमें दिया गया है, जिससे कि जो लोग संस्कृत के श्लोक साथ साथ में चाहते थे उनको संस्कृत का श्लोक भी मिल गया, और जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती, उनको हिंदी पढ़नी है, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। अब देखिए, हिंदी में भी कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ जल्दी से समझ में नहीं आता, तो उनके लिए भी इसमें जो है आपको हिंट दे दिया जाता है, जिससे कि उन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ जाता है, या फिर ब्रैकेट में उन शब्दों का अर्थ आपके लिए लिखा गया है। इसलिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है आपके लिए,
आप इस पुस्तक को जरूर प्राप्त कीजिएगा। अगर कोई परेशानी आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को कृपया करके आप आगे भी अन्य लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।